पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं वो गठबंधन के ही हैं और बाकी जो पार्टियां आशीर्वाद नगर आती चुनाव तो बीजेपी से। बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, यही मुद्दे मेन है जो बीजेपी से जो त्रस्त है जनता। और जो नोटबंदी करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब लोगों पर लाठी फरमाया काम करा है, यही मुद्दे मेन है। मुरादाबाद के लिए उस टाइप का सांसद चाहिए जो हमारी पूरी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सके, जिस हिसाब से हमारे जो मुरादाबाद का कल्चर है, जैसे हिंदू मॉमडन्स और सारी जातियों को एक साथ लेकर चले। ये नहीं हो कि भी मॉमडन्स हैं तो मॉमडन्स खेले गए, ये मतलब नहीं है कि आज बीजेपी आए या कांग्रेस आए। हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, पूरा अच्छा सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को हर तरीके की फैसिलिटी मिल सके। मॉमडन्स हैं जो कहते हैं, जिनकी सोच है कि भाई बीजेपी आएगी तो क्या होगा, या हम लोग सोचते हैं कि हिंदू लोग सोचते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो क्या, ऐसा नहीं है। कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए दोनों के बीच मेल जोल अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को, हम मुरादाबाद के वासियों को बहुत अच्छा आगे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। जी, हमें सांसद ऐसे चाहिए जो अपने देश का जो है विकास कर सके और अच्छी तरीके से, मतलब ये कि सरकार को चला सके, और अपना सांसद ऐसा हो जो अपने सांसद में बैठ के अपने मुरादाबाद के बारे में यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, ये मतलब ये सही तरीके करा सके। बस हमें ऐसा सांसद चाहिए जो अपने मुरादाबाद को अच्छी तरीके से सही कर सके। जी, मुरादाबाद का सांसद हम इस तरीके से जाते हैं जो यहाँ का विकास करवाए, सड़कें बनवाए, खासकर जो कपूर कंपनी का पुल है या गोविंद नगर का जो नीचे पुल बनना वो बन जाए, मतलब विकास से संबंधित सारे काम हो, बिजली पानी हमें टाइम टू टाइम मिलता रहे, इस तरीके का सांसद चाहते हैं। समाज के लिए सबको साथ लेकर चले और सबके लिए भलाई के कार्य करें, अच्छे कार्य करें। अनुशासन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब पुलिस का डंडा भी मजबूत होना चाहिए और पब्लिक का भी, अगर पब्लिक के प्रति अगर पब्लिक ही अपराध कर रही है तो उसका भी डंडा मजबूत होना चाहिए। तो वैसे कुछ सर्वेश जी ही श्रेष्ठ लगते हैं, बाकी इनकी जो कुछ सोच अलग है, डिफरेंट है, इमरान प्रतापगढ़ी भी हो चाहे हमारे ये हो एसटी हसन साहब। अब सर्वेश हमारे ज़्यादा मतलब उतने तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब सही मान के चलूँगा। हमने देखा सर्वेश जी को कहीं शहर में दिखाया, होली पर दिखाई देगा, कहीं त्यौहार पर दिखाई देगा, वैसे दिखाई नहीं देते। अब ये इमरान प्रतापगढ़ी आए हैं, ये ज़रूर विकास के लिए काम करेंगे और शहर में रहेंगे। टोकर साइड का पुल था वो नहीं बना अभी तक पूरा, और बहुत हैं सड़कें हैं, ये हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से ये मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दी, व्यापारी परेशान है, आज व्यापार नहीं है। नोटबंदी है सबसे ज़्यादा खतरनाक, नोटबंदी में कितना व्यापारी परेशान हुआ, आज तक सब भूल गए। उन टाइम में सबको याद था कि बैंकों में लाइन लगी, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग परेशान हुए, सब भूल गए बीजेपी को। उस टाइम तो हाय हाय हो रही थी, अब फिर वही हो गई।